आज बुधवार को 7 बजे से लेकर 9 बजे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का कमिटमेंट वाला सेशन रहता है, तो इस वजह से ये वाला टाइम हमको 9:15 बजे का रखना पड़ता है। सो ये उसका वजह है। तो आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। सो आप बताना चाहेंगे आपका लाइफ के अंदर क्या क्या चल रहा है? सर कल मैं रावत जी का पेमेंट कर दिया हूँ सर, मैं उनका क्लास अटेंड करूंगा सर। हाँ, रावत जी का आपने पेमेंट किया, वेरी गुड। रावत जी का जो पेमेंट का रसीद था मैंने भी उनको भेज दिया था, आपने भी मुझे लगता है कि शायद उनको रसीद भेज दिया होगा। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आपने कल वाला जो सेशन है पूरा मन लगा के अटेंड किया, आपको सेशन अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आपको इसके अलावा और क्या अच्छा लगा कल वाला सेशन के अंदर, और क्या अच्छा लगा आपको? सर कल सबसे बड़ा बात क्या है ना सर, देखो सर, एजेंट आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, हर जगह समझाने वाला भी मिलेगा, लेकिन सर जो ब्रांड बेचता है ना लोग उसी के पास जाते हैं, ठीक है, लेकिन सर वो मिक्सर आप बेचोगे ना तो लोग आपको जल्दी अटेंड करेंगे, आपकी बातों में दम होगा, आपको लगेगा रियलिटी बोल रहा है, कस्टमर को लगेगा मेरा फायदा सोच रहा है, तो पक्का आपसे प्लान लेने वाला है। ठीक बात है, ठीक है। तो सर सेम प्लान तो सभी समझा देते हैं सर, आप ना तो 36 ले लीजिए, आपको 21 साल भरोगे, 15 साल भरोगे, इतना मिलेगा, ये तो सिंपल है। कुछ ऐसा दो से कुछ अलग लगे, ठीक है भैया, ये कुछ खुद से प्लान बना के दे रहा है, हमें अच्छे प्लान दे रहा है, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए ना सर। ठीक है, दैट इज करेक्ट सर। उनका पर्सनल, सर कल उनका पर्सनली कॉल आया, उन्होंने बोला, मैंने सर उन्होंने बोला कि सामा जी आपने जो पैसे दिए हैं आपके पूरे वसूल हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं सर उसकी बात नहीं है, लेकिन सर वो लोग कर लेते हैं 100-100 पॉलिसियां, कैसे कर लेते हैं सर आप बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी 100 पॉलिसी कर पाऊंगा। मैंने अपनी निगेटिविटी बताया कि नहीं आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, मैं आपको बताऊँ आप कैसे करोगे, मैं हाथ बताइएगा कि आप किसी को बताइएगा मत, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने ठीक है सर आप बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है सर। उन्होंने बोला कि आपका कोई टीचर है आपके जानने वाला, मैंने कहा सर हाँ, कि उस टीचर से आप कांटेक्ट कीजिए जो आपके रिलेशन में, उस टीचर को बोलिए कि सर मुझे आपके प्रिंसिपल से मिलना है, और प्रिंसिपल से जो स्कूल में 0 से लेकर 3 साल के हमें बच्चे चाहिए, जो कल मैंने आपको प्लान समझाया उस बेचने के लिए हमें 0 से 3 साल के लिए बच्चे चाहिए, वो बच्चे हमें उस स्कूल से मिल सकते हैं, LKG UKG मैक्सिमम, फर्स्ट तक तो नहीं जाता, LKG UKG हमें 2 क्लास नर्सरी LKG UKG के बच्चे लेने हैं, उनमें क्या है, आप कंपटीशन रखिए, ड्राइंग का कंपटीशन रखिए, जूम मीटिंग कीजिएगा, उनके पेरेंट्स और प्रिंसिपल को बोलिएगा कि सर मैं जूम मीटिंग करना चाहता हूँ, और मैं LIC ऑफ इंडिया से हूँ, बाल विकास मिशन की योजना तहत हमारे, मतलब हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम ने निकाली है, तो ये बच्चों के लिए प्लान है, बच्चों के लिए करना है। तो जैसे ही वो जूम मीटिंग है, वो क्लास में तो बच्चे स्कूल में तो आ नहीं रहे, तो वो आपको जूम मीटिंग करेंगे, आपके सब जितने भी पेरेंट्स होंगे, आपको आपको उनका नंबर भी आ जाएगा, आपके पास डाटा भी आ जाएगा, आप तीन तीन आप गिफ्ट रख दीजिए, फर्स्ट गिफ्ट, सेकंड गिफ्ट और थर्ड गिफ्ट। गिफ्ट थोड़ा ऐसा होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, उस पर लिखा भी होना चाहिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ये अवतरित है। और जब वो गिफ्ट करो ना, तब ना तीन तीन लोग आप होना चाहिए, एक आपके ब्रांच मैनेजर होने चाहिए, एक आपके DO सर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो प्लान भेजिए, आपको लगेगा कि आप अगर 10 कस्टमर भी आपको वहां से मिल गए ना, तो आप वहां से कम कुछ करोगे नहीं तो 30 पॉलिसी आप करोगे, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आप ये आसानी से आप 100 पॉलिसी की बात करते, मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप 200 पॉलिसी कर दोगे मास्टर। हाँ, ये बात ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है सर। उनका आइडिया बहुत बढ़िया आइडिया था, बहुत बढ़िया आइडिया था सर, इतना जबरदस्त आइडिया सर, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, क्या बात है, बढ़िया। तो रावत जी को बुलाना अच्छा रहा आपके लिए, बहुत अच्छा रहा। और क्या अच्छा लगा? अच्छा, और क्या भेजा सर, मैंने सबको भेजा सर, जैसे मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया उसको, और मैंने जो लोगों को सेंड करना उसको सेंड कर दिया, तो लमसम सर मेरे पास 5 से 7 लोगों का कॉल आया कि इस प्लान के लिए हमें समझा दीजिए, हमसे मिल लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, 5 से 7 लोगों का कॉल, बहुत बढ़िया। 5 से 7 लोगों का, एक सर किसी ने सैटरडे का मीटिंग रखा है, किसी ने संडे का मीटिंग रखा है, तो सर सैटरडे संडे के बाद तो अंदाजा ठीक है, अच्छा जाने वाला है जी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमको रावत जी को बहुत पहले बुला लेना चाहिए था। खैर, आपने रावत जी का इसी वजह से मैं अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल आपको भेजते रहता हूँ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, या तो पर्सनली आपको बताता रहता हूँ, या तो लीफलेट, तो खैर आजकल बंद हो गए हैं, तो मैं इसी वजह से आपको बताता रहता हूँ कि भाई अलग अलग ट्रेनर के पास क्या होता है। देखो, हर एक ट्रेनर का बताने का तरीका अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग बातें बताता है, अलग अलग तरीके से बताता है, तो हम यदि जाएंगे तो वहां पर फायदा हो सकता है, जाने से फायदा हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल सकता है ना ट्रेनिंग के अंदर,
या तो किताबों के अंदर, ढेर सारी किताबें भी, कई सारे वीडियो भी अवेलेबल हैं सेल्स के ऊपर, ढेर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो वहां पे जाने से कुछ ना कुछ फायदा तो हो सकता है। सो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लगा कि आपको कल का सेशन पसंद आया। देवेश रावत जी के आइडिया से आपको 5 से 7 लोगों का इंक्वायरी आ चुका है, आपको उनका कॉल आया और वो लोग आपसे बीमा कराने को तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुदामा जी, ऑल द बेस्ट, भगवान करे आपका फटाफट उनका पॉलिसी बढ़िया। और कुछ? सर उन्होंने बोला था बाकी जो डिटेल होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा और फिर आप 12 तारीख को मिलते हैं 12 तारीख शाम को। जी, आपका एक्टिविटी इसके अलावा क्या रहा? कोई मीटिंग किसी से पॉलिसी के लिए आपने कांटेक्ट किया, कोई प्रेजेंटेशन आपने दिया किसी को? सर कल हुआ एक मीटिंग क्या सर, मैं अच्छा नोवेल जी के यहाँ गया था, उनको पहले उनको पता तो था लेकिन उन्होंने थोड़ा कांग्रेचुलेशन करने के लिए गया था। मैं सर कांग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, आपका मैंने अपने पॉलिसी नंबर लगा दिया है और आपको जो भी आपने मुझे सेंड किया उनका पॉलिसी नंबर वो मैंने उनको सेंड कर दिया सर, तो बड़ा खुश हो गया। तो वही कस्टमर, हाँ FPR सर, FPR भेजा था सर आपने, तो सर वही उनका कस्टमर बैठा था, उन्होंने बोला LIC ऑफ इंडिया से हो, यहाँ मैं LIC ऑफ इंडिया, मेरे बाइक पे भी सर LIC ऑफ इंडिया लिखा रखा है मैंने बड़े बड़े अक्षरों में। आपकी बाइक मैंने चलाई हुई है, अरे आपके गांव में आया था, मैंने आपकी बाइक चलाई है। अच्छा, थैंक यू। आपका गांव नहीं मतलब शहर तो है लेकिन वो लगता गांव जैसा है। गांव जैसा है सर, सही जी बताइए। तो सर वो फिर नहीं नहीं कार ले लो भाई, कार का जमाना आ चुका है। हाँ अभी आपकी टीम में देखो, अभी 3 दिन पहले कमल जी ने कार ली है। नहीं आप भी कार ले लो, अभी आप कार वाले होने चाहिए, आप शानदार बढ़िया घर के अंदर रहने चाहिए। तो चलाना नहीं आता ना सर, प्रॉब्लम ये है ना, कार चलाना नहीं आता। शुरू में चलाना किसी को नहीं आता, मैंने जब अपनी पहली कार ली थी मुझे भी चलाना नहीं आता था, और भी साथी अभी जिन्होंने भी जितने भी लोग कार लेते हैं ना शुरू में चलाना नहीं आता है, पहली कार लेते वक्त लोगों को चलाना नहीं आता है, ले लेते हैं। अच्छा शादी की थी तो पता लगा था गश्ती चला कैसे चलानी होती है। तो ये ऐसा नहीं है, ये चलाना वलाना शुरू में किसी को नहीं आता है, वो एक बार कर लेते हैं उसके बाद सब कुछ आ जाता है। आप ले डालो जी सर। जी बढ़िया, और कुछ? नहीं सर और तो कुछ नहीं है सर, मैं और भी साथी बताएंगे कल का। अच्छा जी जी बढ़िया, बताएं और कोई साथी बताएं, कल का सेशन में आप आए थे, कल का सेशन आपको कैसा लगा, क्या लगा आपको कल के सेशन के बारे में? देवेश रावत जी ने इतना कुछ बताने का कोशिश किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उन्होंने बताया कि 12 तारीख को ऐसा करके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, गूगल मीट पर कर रहे हैं 5 बजे से 9 बजे का, तो आपको उसमें से क्या क्या अच्छा लगा कल के प्रोग्राम में, या तो कल का जो भी डिस्कशन था तो उसके अंदर से, उस डिस्कशन का आपने नतीजा क्या निकाला, उसके अंदर से आपने एक्टिविटी क्या क्या किया, कोई भी साथी अपना माइक ऑन करके आप बताइए जरा क्या क्या रहा, कुछ भी आप बताएं, आप अपना एक्टिविटी का शेयरिंग करें, आपका एक्टिविटी क्या रहा, किसी से मुलाकात हुआ, रोज का कम से कम एक आदमी से मीटिंग, एक आदमी से फॉलो अप, ये तो कम से कम कंपलसरी है ना। ये तो नहीं करेंगे तो भाई फिर तो एजेंसी के अंदर खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो हमें डेली मैक्सिमम लोगों से मीटिंग करना है, मैक्सिमम लोगों से फॉलो अप करना है। सो कोई भी एक्टिविटी आप शेयर करें, शेयरिंग का एक्चुअली वजह क्या है मैं आपको रीजन बता देता हूँ, शेयरिंग करने का रीजन क्या है, हमें शेयरिंग क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा एक्टिविटी का ना मजबूती आ जाती है, हमने क्या सही किया क्या गलत किया। अभी आपको लगता होगा कि यार मैं कुछ ने बड़ा मैंने कुछ अचीवमेंट किया हो तो मैं शेयरिंग करूं, मैंने कहीं से कुछ प्रीमियम बढ़िया उठाया हो, कोई बढ़िया रिस्पॉन्स आया हो तो मैं शेयरिंग करूं, ऐसा नहीं है। जब खराब होता है, आपकी उम्मीद के हिसाब से काम नहीं चलता है, तब तो शेयरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को सभी को डिप्रेशन आता है, सभी को फ्रस्ट्रेशन आता है, सभी को चिंता होता है, सभी को टेंशन होता है, सभी को जो प्रोस्पेक्ट लोग हमको बोल देते हैं हमको पसंद नहीं आता है, इतनी ढेर सारी बातें, हमारी कोशिशें हमारी बहुत सारी नाकामयाब होती हैं, सेल्स तो वैसे ही मुश्किल काम है, ऊपर से LIC का पॉलिसी जो बेचना है वो कई सारे लोग हैं उनको मुश्किल लगता है, कई सारे लोग हैं उनको सेल्स मुश्किल लगता है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा होते हैं उसका मकसद यही है कि हम लोग और ज्यादा बढ़िया तरीके से करें, जो भी हम कर रहे हैं उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से करें, बढ़िया तरीके से करें, आपको सपोर्ट मिले, आपको उसको बढ़िया तरीके से कर पाने में थोड़ा सा मदद मिले, आपसे भी लोग इंस्पायर हों। अभी देखिए सुदामा जी ने इतने बढ़िया तरीके से बताया जो भी उनका एक्टिविटी रहा, सभी को अच्छा लगा कि नहीं लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हाथ हिला के बता सकते हैं और अपना एक्टिविटी थोड़ा सा आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा,
थैंक यू, आप हाथ ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो अपना माइक ऑन करके थोड़ा सा बताएं। अशोक ठाकुर जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, दीपक सिन्हा जी, हरिराम जी, आप कोई भी साथी, कपिल खुराना जी, या तो दिनेश जी, रविराज जी, इंद्र शर्मा जी, अजय कुमार मिश्रा जी, आप कोई भी एक्टिविटी आपने जो भी बताना चाहें कि हाँ मैंने क्या क्या किया, तो माइक अपना ऑन करें और उसके बाद आप बताएं। सर मैं बोलूं? सर अरे प्लीज, मोस्ट वेलकम, बताइए। सर वो दो बातें बतानी थी, कल देवेश रावत जी के जो उनका जो ट्रेनिंग सेशन था, एक चीज हमने की जो हमारे को बिल्कुल सही सी लग गई, वो ये है कि आप जो है तो एक आदमी पे नहीं करो, आप उसकी फैमिली पे बात करो, और दूसरा कोई बड़ी करने का आपका मत करो, मतलब 1500 रुपया पर मंथ के हिसाब से भी आप चलते हो तो फैमिली के लिए आचरण कराते हो, तो आपका जो है सो मतलब क्योंकि 1500 देने की कैपेसिटी जो है, और 1500 पर मंथ का मतलब होता है 18000 रुपया सालाना, 18000 सालाना हो जाता है, और ये 18 साल के लिए कोई 1500 रुपया कोई भी दे सकता है, 1500 2000 के बीच में बहुत सारी फैमिली मिल जाती है, दे यानी तो एक तो मतलब ये सीखने वाली बात थी, समझने वाली बात थी, जो हमने बहुत गौर से उनकी बात को सुना है, और आचरण उनका 500-600 रुपए का ये भी है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो अगर मैं भी जाऊंगा, क्योंकि कई लोगों को सुनने से मुझे फायदा हो रहा है, अगर हर तरह की चीज हो रहा है, फायदा इसका ये हुआ कि आप बोले कि हर दिन एक आदमी का हमारे का और हमारे जॉब का जो जिस तरह का मतलब हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ले रहे हैं, तो एक आदमी से कल मिल ही लिया, अब एक आदमी से कल मिल ही लिया, वो कौन थे हमारे साथ जो ऑटो में चल रहे थे उनसे बात छोड़ी, और कोई ऐसे आदमी नहीं थे, वो हमारे मित्र निकल गए, 14th एवेन्यू में निकलते हैं, मित्र निकल गए क्या मतलब, उनके आना जाना बहुत दिनों से हो रहा था, कभी कभी हम लोग ऑटो में बैठ भी जाते थे, तो वो एक्चुअली में काम करते हैं इंडिया टीवी के लिए, उनका नाम है अनिल मिश्रा, बढ़िया, तो हमने उनसे बातचीत छेड़ा, बातचीत में मतलब जब तक हम सेक्टर 52 के अपने मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे, जब तक हमने आधा घंटा में जब तक हमने दुनिया भर की बातें कर ली, और हमने इंश्योरेंस की कोई बातें नहीं करी, हमने उनसे आकर के बात करी, उनका नंबर तक ले लिया, उनका सारा कुछ, कहाँ रहते हैं सब कुछ पता कर लिया, तो ये हमारे आचरण का ये हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो गए सर। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ तो ये मतलब है कुछ एक चीज का है मतलब आगे का, और ठीक ठाक हमारे लगे, और आदमी सही है, दुनिया भर की बातें सब कुछ करके, और कहाँ कहाँ क्या उत्तराखंड में कौन सा बाढ़ आया, कैसे हुआ, क्या किस तरह की पोजीशन है, तो वही चीज वो बातें कर रहे थे में। तो करते 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 हमने तो सारी बातें कर ली उनसे, तो ये था सर कहते मतलब जो भी आप बताते हैं हर दिन के आदमी, उसमें कोई ना कोई एक सूत्र निकल जाता है जिसको निकालना होता है, उसका वर्क करना होता है। अब कह रहे कि एक आदमी भी अगर आप नहीं मिल पाए किसी से तब तो बेकार है, तब हाँ कुछ सोच रहा ये था सर, तो ये यही रहा मेरा। बढ़िया, और कुछ आप बताना चाहेंगे? और ऐसा भी कुछ इस तरह का नहीं है कि मैं आपको बताऊं, वो तो एक दिन ऐसे ही होगा कि पॉलिसी बिल्कुल आ गई, क्लोज होने वाली बात हो गई, तो आपके पास लेकर गया सर, ये आता है तो उसको बनाने का है और सारा चीज लेकर के अब उसको पॉलिसी कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। आप इंश्योरेंस का भी बात शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा LIC का जो जैसे अलग अलग तरीके की पॉलिसी है, अलग अलग तरीके से हम इंश्योरेंस की बात का डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, या तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेके भी मिल सकते हैं, बातों बातों में भी आप इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इंश्योरेंस की बातचीत करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये इंश्योरेंस जो है वो लेना चाहिए। सो अच्छी बात है, आपने उनसे बातचीत किया, और भी लोगों से सुबह से शाम तक जितने भी लोग आपको नजर आते हैं उन सभी से थोड़ा बहुत बात करिए। आप इंश्योरेंस की बात करें ना करें भले ही, लेकिन बात नमस्ते दुआ सलाम ये सब करना जरूरी है ही, क्योंकि हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो बात को घुमा के फिर हम पहुंचा के कहीं ना कहीं उसको इंश्योरेंस में ले जा सकते हैं। हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले सुदामन जी ये बोल रहे थे कि मेरा ड्रीम है कि मैं भी कभी जिंदगी के अंदर 100 पॉलिसी करूं, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे पास इस समय मीटिंग में राजेंद्र कुमार जी हैं। राजेंद्र कुमार जी ने एक ही साल में 284 पॉलिसी किया था, राजेंद्र जी को एक बारी दोबारा से बधाई वो 284 पॉलिसी एक ही साल में करने का, और मेरे ख्याल से राजेंद्र जी शायद ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक ही साल में 284 पॉलिसी किया था, 284 पॉलिसीज इन ए सिंगल ईयर। राजेंद्र जी आप बताना चाहेंगे, सुदामा जी का सपना है, आप उनके रोल मॉडल हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे?
आप अपना माइक ऑन करेंगे तो आपका आवाज पहुंच पाएगा। नहीं, राजेंद्र जी का तो रिस्पांस नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब राजेंद्र जी का यदि रिस्पांस नहीं आ रहा है, और कोई साथी बताना चाहेंगे कल के सेशन के बारे में? कल आपको सेशन अच्छा लगा, इस वजह से हमने शुक्रवार को, जो फ्राइडे आ रहा है परसों, जो फ्राइडे आ रहा है, आज बुधवार है, परसों शुक्रवार है, शुक्रवार को सुबह 8:35 पर हमने विनोद जोशी जी को इन्वाइट किया है। जोनल मैनेजर हैं ब्लिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में। हमारे जितने भी साथी हमारी टीम में हैं तो उनमें से बहुत सारे उनके कस्टमर हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा पॉलिसी हर रोज आप ऐसे भेज सकते हैं आपका, आसानी से आप अपने कस्टमर्स का डाटा, जैसे राजेंद्र जी का 2000 सुपर पॉलिसीज हैं, तो आसानी से एक सेकंड में किसी भी कस्टमर का कोई भी रिकॉर्ड चेक करना हो, कुछ भी पता करना हो, एक सेकंड में सब चीजें पता लग जाती हैं। सो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसके बारे में विनोद जोशी जी बताएंगे शुक्रवार को सुबह आपको 8:35 पर, इसके बारे में कि आपके जो ब्लिस के जो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं उससे आपको इंश्योरेंस बेचने में कैसे मदद मिल सकती है, और इंश्योरेंस बेचने के अलावा उनको सर्विसिंग में कैसे आपको फायदा हो सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे, आप इन सभी टॉपिक्स का जरूरी आप इस वाले सेशन में जरूर आए और इसका फायदा उठाएं। सो अच्छी बात है, आप इस सेशन को ज्वाइन करिए। 12 तारीख का देवेश रावत जी का जो सेशन है आप उसको ज्वाइन करिए, बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा, आप सभी को अच्छा लगेगा, आप उसको जरूर करिए। स्टील टिफिन हमने सभी जिन्होंने क्वालिफाई किया था सभी का ले लिया है, और सुदामा शर्मा जी ने क्वालिफाई किया था, कलेक्ट हमने कर लिया है, हरिराम जी का है हमारे पास, वो जरूर ले लीजिए। और इलेक्ट्रो थर्मल जेल वार्मर जो निकला हुआ था 1 से लेकर 9 फरवरी तक, तो ये वाला हमारे पास मनीष जी ने और राजेंद्र जी ने क्वालिफाई किया था, अभी जैसे ही आएंगे तो वो सब आपको मिल जाएंगे। मीट मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का मुझे लगता है शुरू में बड़ा भारी लग रहा होगा कि 31 पॉलिसी में कहां से करूं, लेकिन फरवरी में आपके पास मौका है। एक तो कल देवेश रावत जी बता के गए हैं कि किस तरीके से आप ये वाला काम कर सकते हैं। मीट मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ 31 पॉलिसी पर है। आप यदि सोचेंगे, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जैसे रिटायरमेंट एंड एंजॉयमेंट पैकेज जो है, रिटायर एंड एंजॉय पैकेज जो है, राजेंद्र जी ने और भी साथियों ने अलग अलग समय पर बेचे हुए हैं। एक ही कस्टमर का 20-25 पॉलिसी हो जाता है, हमें सिर्फ 2 कस्टमर चाहिए। आप यदि डिटेल में चाहेंगे तो हम राजेंद्र जी को रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में ट्रेनिंग दे देंगे। अदरवाइज आप यदि चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो उसके अंदर पैकेज यदि हम डील करते हैं, पैकेज डील का मतलब होता है कस्टमर को हमने ऐसा कुछ बना के दिया कि हर साल उसको टैक्स फ्री पैसा आ रहा है। उसको मान लीजिए 25 पॉलिसियां हमने उसको दी, जैसे अभी आप ही की ब्रांच के अंदर 3 एजेंट्स ने शतकवीर क्वालिफाई किया था, 100-100 पॉलिसी किया था। तो पैकेज उन्होंने क्या बना के दिया था कि भाई छोटी छोटी पॉलिसियां, 1-1 लाख की, 75-75 हजार की पॉलिसियां, कस्टमर को कई सारे सालों तक मेच्योरिटी आ रहा है। अलग अलग पॉलिसीज हैं, 15 साल में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 1-1 लाख की, 75-75 हजार की, ऐसे कई सारी पॉलिसियां कर दी। तो कस्टमर को उसके अंदर फायदा क्या रहा कि कभी किसी साल में, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन कभी ना कभी तो ऊपर नीचे हो सकती है, तो किसी भी साल में यदि थोड़ा बहुत कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो पॉलिसीज का पूरा प्रीमियम अटकता नहीं है। अब जैसे मैं एक बारी राजेंद्र नगर गया था, हमारी टीम में धर्मेंद्र कुमार जी हैं, तो उनके साथ में राजेंद्र नगर गया था, अब्दुल हामिद शाह कस्टमर का नाम है। वहां पे जाके हमने क्या किया, कस्टमर को बोला सर आप रिटायर एंड एंजॉयमेंट पैकेज ले लीजिए। तो कस्टमर ने कहा ठीक है ले लेता हूँ। तो कस्टमर का हमने पॉलिसी क्या बनाया कि सर आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे हर साल पैसा आएगा। हमने ढेर सारी पॉलिसियां 1-1 लाख की, जो 914 प्लान है, तो एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर 1-1 लाख की 25 पॉलिसी बना दी। अब कल को कस्टमर को समस्या आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर वो कहता है जी मैं 25 का प्रीमियम इकट्ठा कैसे भरूं। तो उस वाले साल के अंदर उसने क्या किया, कहता है जी मेरे पास तो थोड़े पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसका प्रीमियम था 40,000 रुपए, कहता है जी मेरे पास तो 5,000 है। हमने कहा भाई साहब 5,000 दे दो, 25 में से कम 2-3 पॉलिसी का प्रीमियम तो भर सकते हैं। फिर 1-2 महीने के बाद उसके पास पैसे हुए, फिर हमने 4-5 पॉलिसी का प्रीमियम भर दिया। ये फायदा होता है कस्टमर को मल्टीपल देने का, तो इसका फायदा आप ले सकते हैं। आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये वाला बढ़िया कॉम्पिटिशन है, 5-स्टार होटल के अंदर बढ़िया प्रोग्राम इसके अंदर होने वाला है। हरिराम जी थोड़ा सा अपने एजेंसी का ध्यान रखें, मीटिंग्स बढ़ाएं, अदरवाइज उनका एजेंसी का खतरा है थोड़ा सा। रिपब्लिक ट्रॉफी अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी भी रह गई हैं आप उसको जरूर ले लीजिए। क्लब मेंबरशिप के लास्ट डेज चल रहे हैं। क्लब मेंबरशिप का मतलब ब्रांच मैनेजर क्लब, डिविजन मैनेजर क्लब, जोनल मैनेजर क्लब, चेयरमैन क्लब, कॉरपोरेट क्लब,
गैलेक्सी क्लब, तो ये छह तरीके के क्लब हैं, LIC के छह तरीके के क्लब हैं। इन छह तरीके के क्लब्स को आप क्वालिफाई करिए। कमीशन के अलावा और भी ढेर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऑफिस अलाउंस अवेलेबल है, जैसे राजेंद्र कुमार जी हमारे पास जोनल मैनेजर क्लब मेंबर हैं, तो आपको ऑफिस अलाउंस अवेलेबल है, आपको फ्री एयर ट्रेवल अवेलेबल है, आपको कार अवेलेबल है, आपको घर अवेलेबल है, इसको आप क्वालिफाई करें। विनोद जोशी जी शुक्रवार को आई रहे हैं, 8:35 पर शुक्रवार का आप नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, रिपीट अलार्म लगा लीजिए, क्योंकि रोजाना का टाइम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस वजह से आप अलार्म लगा लीजिए। अगला सवाल मेरा जो आपसे है, क्या आपके किसी प्रोस्पेक्ट ने आपसे आज तक रिबेट मांगा? क्या आपके किसी कस्टमर ने ऐसा बोला, नहीं भाई साहब मेरे को डिस्काउंट दे दीजिए? क्या ऐसा कभी किसी ने बोला? आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कस्टमर ने बोला हो मुझे डिस्काउंट दे दो जी, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? आप में से कोई भी बताइए, आप अपना माइक ऑन करके बताइएगा, क्योंकि अदरवाइज आपका आवाज नहीं पहुंचेगा। रिबेट मांगा किसी का, किसी ने आपसे रिबेट मांगा, कभी भी आपसे रिबेट मांगा गया? कभी किसी कस्टमर ने कहा मुझे रिबेट चाहिए, मैं तो डिस्काउंट जब तक दोगे नहीं मैं पॉलिसी नहीं कराऊंगा, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है सर, और किसी के साथ सर जो बड़ी पॉलिसी कराते ना, बड़ा प्रीमियम होता है उनका, वो मांगते हैं, छोटी मोटी पॉलिसी वाला नहीं मांगता। जो 2 लाख का समय शॉर्ट होता है या 5 लाख का समय शॉर्ट होता है, जब भी नहीं मांगता। जिसका समय शॉर्ट मतलब जिसका प्रीमियम हुआ साल का 50,000 रुपए, वो तो बोलता है भैया मुझे, मैं वहाँ देखता हूँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पॉलिसी कराइए, आधी किस्त दीजिए और फिर 6 महीने बाद कंटिन्यू चलाइए, ऐसे बोलता है उसमें, या 50% वापस आपके पड़ोस में। हाँ, आपके पड़ोस में किसी ने बोर्ड, आपने मुझे बताया था आपके पड़ोस में किसी ने वो मेन रोड पे बोर्ड लगा रखा है कि किस्त वापस ले लीजिए, यदि आप उस बोर्ड का फोटो खींच के यदि कंप्लेंट डाल देंगे उसकी ब्रांच में, डिविजन में, तो 10 लाख रुपए का फाइन है और उसका एजेंसी खत्म भी हो सकता है। ये आपके प्रपोजल फॉर्म में लिखा है, आपके 300 नंबर फॉर्म में लिखा है कि यदि आप कमीशन इस तरीके से बांटते हुए पकड़े गए या तो कंप्लेंट आपका आया, तो आप एजेंसी खत्म भी हो सकता है, आपको 10 लाख रुपए का फाइन भी लग सकता है। आप यदि चाहें, अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे को एक कस्टमर ने मांगा था, उसने कहा जी मेरे को तो 3,84,000 रुपए का ईयरली किया, उसके बाद मेरे को दिखाया मनीष कुमार जी ने, मैंने मनीष को पूछा, मनीष भाई ऐसा क्या बात है 3,84,000 का ईयरली प्रीमियम दे के शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो कहते जी वो रिबेट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं डिस्काउंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो मैंने कस्टमर को टेलीग्राम पे लिखा, चैट में लिखा, मैंने कहा भाई साहब क्यों मांग रहे हैं? कहते जी सारे ऋण देते हैं। मैंने कहा हम नहीं देते हैं। तो कहता नहीं, वो तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब वो तो इलीगल है। कहते मैं लीगल वीगल कुछ नहीं जानता, आपको नहीं पड़ेगा। मैंने प्रपोजल फॉर्म का फोटो खींचा, जो 300 नंबर फॉर्म होता है उसके अंदर लिखा है 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा यदि आप रिबेट मांगो। मैंने फोटो खींच के भेज दिया। सुदामा जी आप ऋषभ को आगे ले आइए, आप ऋषभ का आगे आने का इच्छा है? आप ऋषभ को आगे ले आइए। ऋषभ का आगे आने का इच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, बढ़िया। सो नहीं, भाभी जी को भी आप आगे ला सकते हैं, भाभी जी को भी जिताइए। सर एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पॉलिसी करके आ गया, सर पेमेंट दे दिया उसने मुझे, ठीक है। उस दिन संडे था, तो सर इतना नॉलेज था नहीं कि मैं सबको बोल दूं सर बीओसी कटवा लूं, उस दिन संडे को बीओसी कट जाती है, ठीक है सर। तो मैंने शाम को पेमेंट रखा, संडे को कटती है, संडे को कटती है ना। हाँ तो सर इतना नॉलेज था नहीं, जब मेरा एजेंसी था 20,000 का प्रीमियम था, साल का एनुअल प्रीमियम था, और सर मैंने फॉर्म भर दिया, साइन कर लिए, सारा पेमेंट भी दे आया, आ भी गया घर पे। जैसे सुबह ऑफिस जा रहा था मंडे वाले दिन, सर मेरे पास कम से कम 3-4 बार फोन आ गए, तो मैं सोचा एक बार उठा लूं, बोला भाई साहब ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, आप प्रीमियम जमा मत कीजिएगा, और मैं जब करूंगा तब आपको बता दूंगा। सर वही कमीशन वाली बात आई होगी, कोई ना कोई आ गया होगा, मार दी होगी पिन। तो सर उस टाइम इतना बेसिक पता नहीं था कि सर, लेकिन सर मैं उस दिन से सीख गया हूं, जैसे किसी का प्रीमियम आए सर को फोन कीजिएगा, बीओसी कटवा दो, होगा देखा जाएगा बाद, बीओसी कटवा दो। इससे भी ज्यादा बढ़िया तरीका है हमारे पास, और ज्यादा बढ़िया तरीका हमारे पास ये है कि जैसे ही उसको हमने कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी समझाया, उसको हमको क्या बोलना है कि भाई साहब ये वाला जो पैसा है आप LIC ब्रांच 126 की बैंक डिटेल को भर के ये पैसा तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये वाला है, क्योंकि जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया उसको उसी सेकंड में रसीद आता है,
यहाँ से वो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसका रसीद आता है, है ना। जब पैसा ट्रांसफर करते हैं आपका स्क्रीनशॉट आता है ना, आपके स्क्रीन पर आता है कि भाई आपने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जी सर, तो ये रसीद आ जाता है। उसके बाद आदमी आपको बोल ही नहीं सकता है कि मेरे को वापस दे दो, अभी आपका तो पैसा गया ना, अभी तो भेज दिया आपने, अभी आपने 20,000 रुपया लिया, अभी आपने तुरंत ट्रांसफर कर दिया, तो अभी तो दोबारा वो वापस आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप उसको बोल सकते हो सर अभी तो ब्रांच 126 में पैसा आपका जमा हो गया, जा चुका है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है आपका। तो अपने यदि हम खुद पैसा लेते हैं, या तो हमने ब्रांच में ट्रांसफर करा दिया, या तो हमने आनंदा के थ्रू, जो आनंदा वाला मॉड्यूल है उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, हर तरीके से पैसा आप वॉलेट के थ्रू आप अपना बीओसी कटवा सकते हैं, ये वाला भी तरीका हमारे पास है। तो यदि हमने आनंदा के थ्रू या तो बैंक में ब्रांच 126 को अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू यदि हमने इस तरीके से किया, उसका फायदा क्या है, कस्टमर को एक तो रसीद तुरंत मिलता है, कस्टमर ये नहीं बोल सकता पैसा वापस दे दो, ये कर दो, वो करो, दुनिया भर का ये सब तमाशा खत्म हो जाता है। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप ट्रायल करेंगे तो आपको ये फायदा हो सकता है। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है, किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, आप मुझे बोल सकते हैं मेरे पास 24 घंटे और 365 दिन का काउंटर है, एक दिन का नहीं है, 24 घंटे 365 दिन SBA पोर्टल हमारे पास, मैंने इसीलिए लेके रखा है। उसका फायदा क्या है, कस्टमर से पैसा उठाया तो आपने रसीद कटा दिया, हाँ, लेकिन उसमें एक समस्या है। समस्या क्या है, अभी मेरे को शनिवार को मनीष कुमार कंबोज जी का रात को फोन आया 9:30 बजे, सर वो मेरा दो यूसी कार्ड दो, मैं काट दिया। मैंने कहा भाई साहब वो चेक ना सवेरे टाइम से दे दीजिएगा, तो नहीं शुक्रवार की बात है, सॉरी शनिवार की नहीं है, शुक्रवार की बात, तो शनिवार को सुबह चेक लेकर आना था। अभी वो चेक, वो कहते हैं मैंने कुरियर कर रखा है, 2:30 बजे पहुंचेगा। मैंने कहा भाई साहब जमा यदि नहीं हो पाया आज की डेट में हमारा काउंटर बंद हो जाएगा, हम और अगला रसीद किसी का काट नहीं सकते हैं। तो मनीष जी ने क्या किया, सर आपके पास टाइम से पहुंचेगा। वो चेक मेरे पास आया 4:30 बजे, हमारा पोर्टल बंद हो गया, संडे हम किसी की रसीद नहीं काट पाए, सोमवार को हम तब तक रसीद नहीं काट पाए जब तक वो जो चेक आए हुए थे वो काउंटर पे जमा नहीं होगा। तो एक ये समस्या है, मतलब यदि मैंने रसीद काट दिया तो अगले दिन मेरे पास कैश है, चेक है, जो भी है, टाइम से पहुंचे, वो LIC के अकाउंट में जमा हो तब वो जरूरी है। ऐसी बात जो है मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज LIC ब्याज लगा देती है, आपने LIC का पैसा अपने पास दबा के रखा अभी तो ब्याज दे दो, तो ये भी एक समस्या है। दूसरा हमारा काउंटर बंद होने का समस्या है। नरेंद्र पाल जी गुड मॉर्निंग, आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर वेरी गुड मॉर्निंग, सर वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, रियली सर आई पार्डन, सर मैं लेट हो जाता हूँ सर, प्लीज सर ये टाइमिंग था मेरा मीटिंग का, सर अलार्म लगा लीजिए ना, आप अलार्म लगा लीजिए, लेट नहीं होंगे सर। अलार्म लगाना सर वो नहीं है सर, सर मेरा शेड्यूल को सर कुछ और होता है सर, काम में बिजी होता हूँ सर, काम में बिजी होते हैं जी जी। अच्छा ठीक है सर, किसी फैमिली सर, दूसरा सर पर्सनल काम भी है सर, फैमिली काम से वहाँ पे बिजी होता हूँ, उसके लिए सर ये टाइमिंग मेरा सर ये मीटिंग के लिए सूट करता ही नहीं। आप चाहें तो आप अपने नाम का प्रीमियम पॉइंट ले सकते हैं, वरना जो SBA पोर्टल हमारा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। मैं तो सर ये चाहूंगा कि सर आने वाले टाइम में जो सर हमें सर वो ना जो ऑनलाइन सर हम पॉलिसी सर नंबर लगा सकते हैं सर, वो मेरे को सुविधा सर चाहिए, तो उसके लिए हाँ सर है ना दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है वो कोई आपको लेना नहीं है, वो ऑलरेडी आपको दे रखा है आनंदा पोर्टल पे। रोजाना बहुत सारे एजेंट हैं, सैकड़ों हजारों पॉलिसी नंबर हर रोज LIC के इशू होते हैं आनंदा पोर्टल के द्वारा, ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है, ये आपको कहीं से लेना नहीं है। आप LIC.in ओपन करेंगे, आनंदा का लिंक है वहां पे अवेलेबल, आप उस आनंदा को क्लिक करिए, आप घर बैठे पॉलिसी नंबर लगा सकते हैं। मोबाइल के थ्रू इस्तेमाल मत करिएगा, मोबाइल के थ्रू नहीं चलता है ये कंप्यूटर, डेस्कटॉप के थ्रू या तो लैपटॉप के थ्रू, हाँ डेस्कटॉप या तो लैपटॉप के थ्रू चलता है, मोबाइल फोन के थ्रू नहीं होता है ये। आप अभी खोल लीजिए, हाँ मोबाइल के थ्रू सिर्फ मोबाइल के थ्रू सिर्फ जानकारी मिल सकती है कि इसमें क्या है, लेकिन मोबाइल से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए या तो डेस्कटॉप या तो लैपटॉप का इस्तेमाल करिए, उससे आप इसको यूज कर सकते हैं, उससे आप यूज करके फिर इसके अंदर आप कर सकते हैं जी। शुक्रवार को सुबह 8:35 पर जो ब्लिस टेक्नोलॉजी है उसके ब्लिस सॉफ्टवेयर के जो जोनल मैनेजर हैं वो आ रहे हैं, मिस्टर विनोद जोशी,
कि आप टेक्नोलॉजी के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा आसान तरीके से कैसे, सॉफ्टवेयर के द्वारा आसानी से पॉलिसी कैसे हर रोज भेज सकते हैं, तो वो उसके बारे में जानकारी देंगे। आप वहां पर जरूर आइए, शुक्रवार का दिन, परसों का दिन आप जरूर डेफिनेटली नोट करके रख लीजिए। जी बिल्कुल नोट करते हैं। और कुछ आप बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका सब ब्लेसिंग्स हमेशा सर। एक बार ना सर, एक बार रोजाना कम से कम एक एक्स्ट्रा आपको जरूर मिल गया, उसके बारे में मुझे बताइए। जी बताइए सुदामा जी, कुछ कह रहे हैं सर? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा सर। एक बार वो जो जीवन अक्षय है, जो जीवन अक्षय है पेंसिल प्लान है सर, थोड़ा उसके बारे में समझा दीजिएगा प्लीज। मेन चीज समझा दीजिएगा सर, जब आपका टाइम हो तब डिटेल में समझा दीजिएगा, क्योंकि सर एक दो कस्टमर के पास फोन आए हैं ना, वो जीवन अक्षय के बारे में बात बात कर रहे हैं, तो एक बार प्रॉपर समझा दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। आप में से कोई साथी बताना चाहेंगे जीवन अक्षय के बारे में? सुदामा जी ने पूछा है जीवन अक्षय के बारे में, तो आप में से कोई और साथी शेयर करना चाहेंगे जीवन अक्षय क्या है, कैसे है, क्यों होना चाहिए, क्या फायदा है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कोई भी साथी बताना चाहेंगे? अपना माइक ऑन करके बताएं, यदि आप में से कोई साथी बताने चाहें तो। नहीं, ओके। जीवन अक्षय पेंशन प्लान है हमारे पास, मुझे लगता है सुदामा जी आप मेरे को अलग से इसके बारे में बात कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये वाला जो फ्री वाला जो मीटिंग का ऑप्शन होता है वो 40 मिनट के बाद जूम वाले ऑटोमेटिकली कनेक्शन काट डालते हैं। सो मैं आपको बताना भी शुरू करूंगा, तो यहाँ पर तो खैर आप कनेक्शन बीच कटने ही वाला है, तो आप मेरे को अलग से बात कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता, लेकिन बताने में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये कनेक्शन कटने वाला है। सो पेंशन प्लान है, आपके कस्टमर को कितने रुपए लगाने हैं और एज कितना है उनका? सर 5 लाख रुपए लगाने हैं, 30 का एज है सर। हाँ जी, मतलब 5 लाख लगाने हैं, 30 का एज है, 30 एज है सर, 5 लाख लगाने हैं। 5 लाख लगाने हैं जी सर, और 30 का एज है। ओके okay, देखते हैं कि कैसे हो सकता है, थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं। यदि हमारा कनेक्शन ना कटे तो थोड़ा सा तब तक हम कोशिश करके देख लेते हैं। तो आप ये वाला लीडर ऐप अपना ओपन कर लीजिए, लीडर ऐप आपका यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। आप इसको लीडर ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आएगा, प्रीमियम कैलकुलेटर खोल लीजिए, तो पेंशन प्लान खोलिए। पेंशन प्लान में जीवन अक्षर, जीवन अक्षर के अंदर एज तो 30 से लेकर 50 तक का एज अंदर अवेलेबल है। सम अश्योर्ड मिनिमम 1 लाख लिखा है, आप इसके अंदर 5 लाख दीजिए। 5 लाख के बाद सेलेक्ट पेंशन ऑप्शन लिखा है, एनुटी फॉर लाइफ टाइम लिखा है, एनुटी फॉर लाइफ टाइम है, आप इसमें ऑप्शन जे डाल लीजिए। जे डालने का फायदा क्या है? एनुटी फॉर लाइफ, एन्युटी फॉर लाइफ, ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एन्युटी फॉर लाइफ, जिंदगी भर आपको पेंशन आएगा, 100 साल की उम्र तक का गारंटी है, विद ए प्रोविजन फॉर 100%। उसके अंदर प्रोविजन क्या है कि 100% पेबल टू स्पाउस आपको भी मिलेगा, वाइफ को भी मिलेगा, ऑन डेथ ऑफ द एन्युटेंट। आपने लगाया था वाइफ का एज कितना है? वाइफ का एज कितना है सुदामा जी? सर 25 सुदामा जी, वाइफ का उम्र बता। हाँ जी सर, 25 में आपने यहाँ पर डाला। ओके, 25 में जॉइंट लाइफ डाला, यहाँ पर आपने सबमिट की, आ गया यहाँ पर ईयरली 25,900 मिलेगा, ईयरली 12,788 मिलेगा, क्वार्टरली 6,338 मिलेगा, मंथली 2,102 मिलेगा। ये आपको जिंदगी भर का गारंटी है, दोनों को गारंटी है, हस्बैंड को भी गारंटी है, वाइफ को भी गारंटी है। तो ये वाला है इमीडिएट पेंशन प्लान, आज आपने इसको डाला तुरंत आपको पेंशन आना शुरू हो जाएगा। मंथली लेंगे तो अगले महीने से आएगा, क्वार्टरली लेंगे तो 3 महीने के बाद से आएगा, हाफ ईयरली लेंगे तो 6-6 महीने के अंदर आएगा, एनुअली लेंगे तो ये अभी फरवरी 2021 चल रहा है, फरवरी 2022 से आएगा। सो ये वाला पेंशन प्लान आप अपना लीडर ओपन करिए, लीडर ओपन करके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप कस्टमर को बताइए, कस्टमर को भेजिए और चेक उठाइए। पहला ऑप्शन आप उसको दीजिए कि बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर करें, दूसरा ऑप्शन दीजिए कि अच्छा ठीक है ट्रांसफर नहीं करना है तो कैश।